हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्म। हम सबकी स्किन कितनी ब्यूटीफुल और हेल्दी होती है, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट स्किन वाइटनिंग रेडियंस क्रीम का रिव्यू। ये एक डे क्रीम है, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगी। इसका प्राइस कितना है, ये कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इसको ठीक से अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने के बाद आपको कौन से रिजल्ट्स मिलेंगे, किस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके प्रोज क्या क्या है, उसका कौन क्या है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट स्किन वाइटनिंग रेडियंट जो का ये जो क्रीम है, ये डे क्रीम है विद सनस्क्रीन। ये क्रीम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये समर्स के लिए प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसे विंटर्स में आपकी स्किन को और ड्राई बना देगा। और अगर आप इसे समर्स में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके साथ सनस्क्रीन ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ऑल्दो इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर सनस्क्रीन है, लेकिन इसका SPF मेंशन नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम तक धूप में हैं तो आप अलग से भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेक्स्चर कैसा है ये मैं आपको बताती हूँ। आप इसे थोड़ा सा अपनी स्किन पे अप्लाई करें, ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इजीली ब्लेंड हो रहा है आपकी स्किन पे और ये आपकी स्किन को पूरी तरीके से ड्राई कर रहा है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन को और ड्राई बनाएगा। और ये एक कम्प्लीट मैट फिनिश दे रहा है, तो अगर आप फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी परफेक्ट क्रीम है। इसके बाद आप साथ में अपना सनस्क्रीन लगा के भी इसे डेली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, जैसे कि ये डे क्रीम है तो आप इसे मॉर्निंग में और इवनिंग में अपनी क्लीन फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप समर्स में अप्लाई करोगे तो आपको इसके अलावा अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्मेल है वो फ्लोरल स्मेल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसकी खुशबू थोड़ी सी फेयर एंड लवली जैसी है। अगर आपने फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ की है तो आप उसका रिव्यू मेरे साथ शेयर करो कि आपको वो क्रीम कैसी लगी है, और आप इसका भी मुझे बता सकते हो कि आपने अगर इसे यूज़ किया है तो वो कैसा लगा है। इसके अलावा जो इसका प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल है, ये सिर्फ 120 रुपीज़ का है फॉर 15 ग्राम, और ये एक बड़ी पैकिंग में भी आता है जो कि 50 ग्राम का है फॉर 280 रुपीज़। अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप छोटा वाला पैक खरीदो, सो दैट आपको पता चल सके कि आपकी स्किन के ऊपर ये कैसे काम करता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस क्रीम के बारे में आपको बताऊं तो ये क्रीम आपके समर्स के लिए सूटेबल है। अगर आप इसे डे और मॉर्निंग और इवनिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे क्लीन फेस पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैट फिनिश देगा आपको, आपको अलग से फाउंडेशन, अगर आप हैवी फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा अगर स्किन वाइटनिंग की मैं बात करूँ तो ये आपकी स्किन वाइटनिंग एकदम से नहीं करेगा और ना ही ये बहुत लॉन्ग टर्म में देगा। जब आप इसे लगाते हो तो इससे कोई स्किन वाइटनिंग नहीं हो रही है, बस ये आपकी स्किन को हल्का सा ग्लोइंग और मैट फिनिश दे रहा है। तो जो ये क्लेम कर रहा है स्किन वाइटनिंग या फिर आपकी स्किन को एकदम से गोरा कर देगा, तो ऐसा इसे लगाकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इससे ग्लोइंग स्किन मिली आप। तो अगर आप स्किन वाइटनिंग क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है। स्किन वाइटनिंग नहीं करता, ये आपकी स्किन को एक हल्का सा ग्लोइंग बनाता है, मैट फिनिश देता है, फाउंडेशन वाला देता है और लाइट कवरेज भी देता है आपके छोटे छोटे मार्क्स के लिए, बट फुल कवरेज नहीं देता। तो ये था सब कुछ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट स्किन रेडियंस के बारे में। मैंने इसे इसका एक क्रीम इसे एक पैकेट यूज़ किया था, तो उसके साथ मैं आपको यही रिव्यू दे सकती हूँ कि ये स्किन को हल्का सा ग्लो देगा। अगर आपने भी लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट स्किन वाइटनिंग रेडियंस यूज़ किया है तो उसका रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें जो इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।